एमएच क्लब के संस्थापक स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया जी की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर क्लब के द्वारा जरूरतमंद बुजुर्गों को कंबल एवं चप्पल का वितरण किया गया। इस अवसर पर आयोजन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बादशाह सिंह रहे, जिन्होंने बुजुर्गों को चप्पल एवं कंबल वितरण करते उनका सम्मान किया तथा सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय गिरीश सोनकिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हाथों से हमारे बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, कर रहे हैं, अपना स्थान ग्रहण किए रहे हैं। आप लोग कोई उठे नहीं, सभी को मिलेगा, मगर अपने स्थान पर बैठे रहिए, अपने स्थान पर रहिए, वहीं आकर मिल जाएंगे। आप लोग स्वयं देख रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो समाज को देख करके जी रहे हैं। कभी ईश्वर का नाम दीन बंधु कह के पुकारा जाता था, अब आज की 21वीं सदी में ईश्वर को भी रईस बंधु बना दिया। ऐसे में जो समाज के बारे में सोचता है, गांव में रहने वाले आखिरी गरीब कमजोर और बेबस लाचार व्यक्ति के तरफ बिना स्वार्थ के सहायता का हाथ बढ़ाता है, निश्चित तौर पर वो प्रशंसनीय होता है। और ये एमएच क्लब ने जीतू ठाकुर की अगुवाई में सारे लोगों ने एक अच्छा काम किया। मैं तो वैसे भी यूपी के चुनाव में बहुत व्यस्त था, लेकिन फिर भी इस तरह के कार्य कोई कर रहा हो तो उसमें जाते हुए भी मन को सुख और शांति मिलती है। और मैं मीडिया से भी ये चाहूँगा कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने की इसलिए आवश्यकता है कि समाज की दिशा और धारा बदले, मूल धारा की ओर लोग लौटें। दूसरे का दुख समाप्त करके अगर आप उसको सुख पहुंचा रहे हैं तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा पुण्य है, और ऐसा व्यक्ति प्रशंसनीय भी है, वंदनीय।